हेलो फ्रेंड्स, आज बात करना है फिशुला। ये बीमारी मलदार के जगह पे, एनस गुदेदार की जगह पे ये जो बीमारी रहती है जिसको बोलते हैं हम भगंदर, और इंग्लिश या मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं फिशुला इन एनो। ये भगंदर बीमारी में जब बात होती है ट्रीटमेंट की, तो अक्सर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसकी बेस्ट मेडिसिन कौन सी है, कौन सी दवा हम भगंदर इलाज में ले सकते हैं, और क्या है दवा से ये बीमारी जड़ से ठीक हो सकती कि नहीं। किसी भी इंसान को जब भगंदर फिशुला ये जब बीमारी होती है, तो जाहिर सी बात है कोई भी इंसान चाहेगा कि उनकी बीमारी विदाउट सर्जरी या विदाउट मेडिसिन से ठीक हो जाए। लेकिन जब हम स्पेशल केसेस या स्पेशल बीमारी की बात करते हैं, तो बीमारी वाइज ट्रीटमेंट अलग रहती है। कैंसर की बीमारी तो उसके प्रिंसिपल्स अलग है, पाइल्स की बीमारी तो इसके भी अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। उसी तरह जब हम भगंदर बीमारी की बात करते हैं, तो कौन सी दवा अच्छी है, कौन सी दवा बेस्ट है, क्या ये दवा से आपको जड़ से मिटने वाला है कि नहीं, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस मरीज के मन में रहते हैं जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको फिशुला की बीमारी है, भगंदर का प्रॉब्लम है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भगंदर के इलाज के बारे में हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, भगंदर बेसिकली मलद्वार गुदेद्वार का जो जगह है, संडास का रास्ता है, ये रास्ते में जो ग्रंथि रहते हैं जिसको क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन बोलते हैं, ये ग्रंथि में इन्फेक्शन जब होता है, पिंपल जैसा, फुंसी जैसा, रस्सी, जब इधर कोई भी कारण से एनस की जगह पे एक पिंपल जैसा फोड़ा बन जाता है, तो ये फोड़ा अंदर से रास्ता बना के चमड़ी पे फूटता है। यानी ये अगर गुदेद्वार का रास्ता है जिसको होल है, जिसको हम एनस बोलते हैं, तो इधर से इन्फेक्शन रास्ता बना के चमड़ी पे एक पिंपल जैसा फूटता है। तो बेसिकली अंदर से अगर हम देखते हैं, तो अंदर एक इंटरनल ओपनिंग है जो गुदेद्वार की जगह पे अंदर से है, और उधर से रास्ता बाहर निकल कर चमड़ी पे एक नया मुंह बनता है जिसको बाहर आपको पिंपल दिखता है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग। तो अंदर से रास्ता ये होके बाहर चमड़ी पे आता है, ये रास्ते को हम भगंदर बोलते हैं। ये रास्ता जो टनल है, जिसका एक मुंह अंदर है और एक मुंह बाहर है, तो अंदर के मुंह को इंटरनल ओपनिंग, बाहर के मुंह को एक्सटर्नल ओपनिंग, इसके बीच में जो रास्ता है इसको फिशुलस ट्रैक यानी भगंदर का रास्ता। इसमें इन्फेक्शन जमा होता है, चेप होता है, जिसको कारण आपको दर्द होगा, चेप ज़्यादा हो जाएगा तो बुखार भी आएगा, और हल्का हल्का आपको तकलीफ डिस्कम्फर्ट महसूस होता रहता है। बहुत बार कोई तकलीफ महसूस नहीं भी होती यदि पस इन्फेक्शन की क्वांटिटी हो कम है। तो यदि आपको पहली बार ये प्रॉब्लम होता है, तो जाहिर सी बात है आप डॉक्टर के पास चेकअप करने जाओगे, आप दिखाओगे, आपको पता चलता है कि आपको फिशुला है। तो टेम्पररी यदि आपको थोड़ा सा समय खींचना है और आपका इन्फेक्शन थोड़ा सा कम है, आपको तकलीफ है बुखार के रूप में, दर्द के रूप में कम है, या फिर डॉक्टर साहब ने आपको चेक किया और इन्फेक्शन उनको कम दिख रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक से सूजन कम होगी, एंटीबायोटिक से उधर बैक्टीरिया की गतिविधि कम होगी, तो आपको टेम्पररी अच्छा हो जाएगा। जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हो, बाहर का मुंह बंद हो जाएगा, नया चमड़ी आ जाएगा, अंदर से भी इन्फेक्शन की क्वांटिटी कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको अब बिल्कुल अच्छा हो गया। लेकिन ये एंटीबायोटिक आप लाइफ टाइम नहीं लेने वाले हो, तो जैसे आप ये एंटीबायोटिक्स 10-15-20 दिन के बाद जब बंद करते हो या 7 दिन के बाद बंद करते हो, तो वापस उधर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जमा होगा, क्योंकि मलद्वार की जगह से जब मल नीचे उतरता है तो इंटरनल ओपनिंग से अंदर ये मल अंदर जमा होता है और वापस उधर चेप इन्फेक्शन बढ़ता है। तो ऐसे केसेस में या तो ये वापस बाहर से फूटेगा या तो अंदर से नया रास्ता बना के फैल जाएगा भगंदर। इसके लिए टेम्पररी इलाज इसमें मेडिसिन से दवाई है, जिससे आपको समझो कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन या इवेंट्स है, जैसे कि आप एग्जाम गोइंग हो, या फिर आपका कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिस काम है, या फिर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट घर में इवेंट है जिसमें आपका अटेंडेंस होना बहुत जरूरी है, तो यदि आपका इन्फेक्शन कम है, तो आपके डॉक्टर के गाइडेंस में आप एक टेम्पररी एंटीबायोटिक ले सकते हो, टेम्पररी पेन किलर ले सकते हो, पेट साफ करने की दवा ले सकते हो यदि आपको कब्ज की तकलीफ है, तो कुछ ऑइंटमेंट्स या मलम वो एरिया में लगाने से भी आपको टेम्पररी थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन जनरली ये सब ट्रीटमेंट टेम्पररी है, लंबे अरसे पे ये जड़ से रास्ता मिटता नहीं है, रास्ते के अंदर जो इन्फेक्शन है इसको हम थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहे हैं मेडिसिन से। जैसे ये दवा बंद करते हैं, वापस से इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लंबे अरसे पे ये रास्ते को या तो जलाना पड़ता है, या तो ये रास्ते को बांधना पड़ता है, या तो ये रास्ते को उखाड़ना पड़ता है, यानी सर्जरी।
तो बगंदर में जब हम लंबे अरसे की बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, टेम्पररी रिलीफ। हम मेडिसिन से थोड़े दिन डॉक्टर के गाइडेंस में ले सकते हो, जिसमें एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, एसिडिटी की दवा, पेट साफ करने की मेडिसिन, कुछ मलम, ये कुछ मेडिसिन से आप टेम्पररी आराम मिल सकता है, थोड़ा सा खींच सकते हो, एक सोचने का आपको मौका देगा। और कुछ अन्य रिपोर्ट्स जैसे कि आपको डायबिटीज है कि नहीं, ब्लड की कुछ रिपोर्ट्स है, अल्ट्रासाउंड या फिर MRI, ये बगंदर बीमारी के लिए बेटर असेसमेंट, एक्यूरेसी और प्लानिंग और प्रिडिक्शन के लिए कि आपका इलाज कैसा रहने वाला आगे, इसकी क्या सक्सेस रेशियो रहेगी, कौन सी सर्जरी करनी है, कौन सी सर्जरी में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वापिस होने की गुंजाइश कितनी, ये सब आपको प्लानिंग का एक मौका, एक टाइम मिलेगा ये मेडिसिन से। तो लंबे अरसे पे मेडिसिन काम मोस्टली नहीं करने वाली, लंबे अरसे पे आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो से आपको बहुत ही यूजफुल बेसिक नॉलेज बगंदर फिशुला बीमारी के बारे में मिली है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आप बगंदर बीमारी में क्या ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए हमारी वेबसाइट की, जिसमें आपको बगंदर बीमारी के इलाज के बारे में बेसिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। धन्यवाद।